Hello everyone, our today's topic is screen based controls. Previous lecture में हमने device based controls के बारे में पढ़ा, जिसमें interface के screen elements को control करने के लिए हम different types की input devices use करते थे, और interface के requirement के according हम उन input devices को अपने interface के साथ use करते थे. तो प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हमने कवर किया था वो बेसिकली डिवाइस बेस्ड कंट्रोल था. आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल्स. मींस स्क्रीन के वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम कुछ सर्टेन कंट्रोलिंग एक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी अपने इंटरफेस पे कुछ सर्टेन कंट्रोलिंग एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे. तो बेसिकली स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल्स में हम कई तरह के कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे बाय यूजिंग बटन्स को यूज करके भी कंट्रोल परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट एंट्री करके, सिर्फ टेक्स्ट को रीड करके, टेक्स्ट का सिलेक्शन करके, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं. तो बहुत सारे मेथड्स हैं स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल्स के लिए. बेसिकली इस लेक्चर में जो कंट्रोल्स की बात हम करेंगे वो बटन्स के रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है. नॉर्मली जो बटन हम अपने इंटरफेस पे यूज करते हैं, ठीक है, उस बटन्स के रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे. तो बेसिकली स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल्स ऑफन सिंपली कॉल्ड कंट्रोल्स एंड समटाइम्स कॉल्ड विगेट्स बाय डिफाइनिंग दे आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली जब स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल की हम बात करते हैं तो उस कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ स्क्रीन एलिमेंट्स को यूज करते हैं, जिसको नॉर्मली हम विगेट्स कहते हैं, जिसको हमने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि विगेट्स क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली विगेट्स कहते हैं. विगेट्स के थ्रू हम किसी भी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन पर कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. तो स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल में विगेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है. तो जो कंट्रोलिंग हम परफॉर्म करते हैं वो कंट्रोलिंग भी डिफरेंट टाइप की कंट्रोलिंग होती है. तो अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग होती है वो ऑपरेबल कंट्रोल्स. मींस हम कुछ सर्टेन एक्शन ऑपरेट करते हैं और हमारे उस एक्शन के रेस्पेक्ट में सिस्टम कुछ रेस्पॉन्ड करता है, तो वो कहलाता है हमारा ऑपरेबल कंट्रोल्स, ठीक है. तो ऑपरेबल कंट्रोल्स आर दोज दैट परमिट द एंट्री, सिलेक्शन, चेंजिंग और एडिटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू और कॉज अ कमांड टू बी परफॉर्म. मींस हम कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म अगर कर रहे हैं रिगार्डिंग टेक्स्ट एंट्री, रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एनी सिलेक्शन ऑफ एनी अदर वैल्यू, रिगार्डिंग चेंजिंग द डेटा, रिगार्डिंग एडिटिंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, ठीक है. तो ये या फिर किसी सर्टेन बटन पे क्लिक करना जिस पर हमने कोई कमांड डिफाइन कर रखा हो, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे ऑपरेबल कंट्रोल्स में आती है. तो इस ऑपरेबल कंट्रोल्स के लिए हम कुछ विगेट्स यूज करते हैं. जैसे आज जो हम स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल में जिस कंट्रोल एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं वो है बटन, ठीक है. तो बटन की अगर बात करें बेसिकली तो बटन अगर देखा जाए तो हमारी स्क्रीन का एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट, एक ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का एक छोटा सा एलिमेंट जिसके बैक साइड में हम कुछ कोड्स, कुछ कमांड्स डिफाइन कर देते हैं, और जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करते हैं वो सर्टेन कोड, वो सर्टेन कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है और उस कमांड से रिलेटेड जो सर्टेन एक्शंस हैं वो एक्शन हमारे परफॉर्म होने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वर्ड फाइल को अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं. जैसे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू है, अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो एक प्रिंट प्रीव्यू का एक विंडो ओपन हो जाएगा. मींस इस प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे कुछ सर्टेन कमांड हमने डिफाइन कर रखा है, इस बटन पे कुछ सर्टेन कमांड हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि बटन बेसिकली होता क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्ड कंट्रोल्ड विद अ लेबल indicating action to be accomplished. Label may be consist of text, graphics or both. Basically, button
जिस पे हम कुछ सर्टेन कमांड्स को डिफाइन करके रखते हैं, जिसके थ्रू कुछ सर्टेन कंट्रोल्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी बटन पे हम कुछ लेबल यूज करते हैं, यानी एक ऐसी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन या फिर एक ऐसी ग्राफिक इंफॉर्मेशन जिसको देख के यूजर ये अंडरस्टैंड कर सके कि बेसिकली इस बटन का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, स्टार्ट एक्शन, चेंज प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले, पॉपअप मेनू। पर्पस की अगर बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि बटन्स पे लेबल्स लगे होते हैं, लेबल्स के टेक्स्ट को या उसके ग्राफिक्स को देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली इस बटन से हम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लेबल्स को देख के आप सर्टेन एक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस एक्शन के रिगार्डिंग उस बटन पर क्लिक करके उस एक्शन को एक्सक्यूट कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है इसका, चेंज प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले और पॉपअप मेनू। ठीक है, यानी बटन्स को यूज करके हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि पॉपअप मेनू को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसमें हम बटन्स यूज करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ऑलवेज विजिबल, रिमाइंडिंग ऑफ चॉइस अवेलेबल, कन्वीनियंट, कैन बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज इन द वर्क एरिया, कैन प्रोवाइड मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन, लार्जर साइज जनरली प्रोवाइड्स फास्टर सिलेक्शंस। तो ये इसके बेसिक एडवांटेजेस हैं। इन शॉर्ट अगर ऐसे समझें तो बेसिकली अगर जीयूआई की बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें, जहां पे हम कुछ सर्टेन क्लिक एक्शन परफॉर्म करके किसी भी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन कमांड्स को जिसको हम क्लिक के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उन कमांड्स को हम किसी बटन पे डिफाइन कर देते हैं और एक सिंगल क्लिक के थ्रू हम उस बड़े से बड़े कमांड को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ देखें तो स्क्रीन पे एक छोटा सा विंडो मैंने दिया हुआ है जिसपे एक मैसेज लिख के आ रहा है, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस। आपने अपनी फाइल में कुछ मैनिपुलेशन किए हैं टेक्स्ट डेटा के साथ। ठीक है, अब आप अगर फाइल को क्लोज करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपसे पूछता है क्या इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं जो आप चेंजेस आपने किए हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग देखिए बटन्स दिए हुए, यस का बटन, नो का बटन, कैंसिल का बटन। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे वो क्या होगा, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आपकी फाइल में सेव हो जाएगा, नो पे करेंगे तो सेव नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को एक बटन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उस बटन को, उस कमांड को हम डिफाइन कर दें और फिर इजीली हम उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बेसिकली बटन्स की बेसिक डेफिनेशन, उसका पर्पस, उसके एडवांटेज। अब अगर बटन के यूज और लेबल की बात करें, मींस अगर हम कमांड बटन यूज कर रहे हैं किसी बटन पे, किसी कमांड को अगर मैंने डिफाइन किया हुआ है तो बेसिकली उसको यूज कैसे करना है, ठीक है, और उसकी लेबलिंग करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी कि यूज में कह रहा है, फॉर विंडोज विद अ मेनू बार यूज टू प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड और क्रिटिकल कमांड्स। फॉर विंडोज विदाउट अ मेनू बार यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल नेसेसरी कमांड्स। यानी हमारे जितने भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं उसपे मेनू बार होता है, टूल बार होता है, उन मेनू बार और टूल बार पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होते हैं या डिफरेंट बटन्स गिवन होते हैं और उन बटन्स पे कुछ सर्टेन कमांड डिफाइन होता है और उन बटन्स को हम इजीली क्लिक करके किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली कमांड्स का जो यूज होता है हम मेनू बार पे कर सकते हैं, टूल बार पे कर सकते हैं, किस लिए, फॉर इजी एक्सेस, फास्ट एक्सेस। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, प्रोवाइड अ रेक्टेंगुलर शेप विद अ लेबल इनस्क्राइब्ड विद इन, गिव द बटन अ रेज्ड अपीयरेंस, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टाइल थ्रू आउट एन एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए जो बटन होते हैं, ठीक है, बटन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप के भी होते हैं, स्क्वायर शेप के भी होते हैं। ठीक है, जिसपे हम लेबलिंग करते हैं वो लेबलिंग टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, ग्राफिक के फॉर्म में भी हो सकती है, और उस लेबल को पढ़ करके देख करके यूजर ये इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है कि इस बटन के पीछे कौन सा कमांड डिफाइंड होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फाइल को जब ओपन करते हैं
तो उस फाइल सपोज करिए आप वेब ब्राउजर पे किसी फॉर्म को फिल किया आपने और उस फॉर्म को सबमिट किया, तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद पेज के बिल्कुल एंड में प्रिंट का एक ऑप्शन आता है, यानी उस बटन के ऊपर लिखा लेवलिंग करके रखा होता है प्रिंट, PRINT प्रिंट। तो आप इजिली प्रिंट को पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने से मेरा ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए जो बटन्स यूज करते हैं, बटन्स पे हम प्रॉपर लेवलिंग करते हैं, उसका जो शेप होता है वो ज्यादातर वो रेक्टेंगुलर शेप का भी शेप का ही होता है, स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जितने बटन्स आपको दिखेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप के दिखेंगे। और जितने भी बटन्स हम अपने एप्लीकेशंस में यूज करते हैं उसके शेप को या फिर उसके लेबलिंग को इस तरह से यूज करते हैं कि थ्रो आउट हमारे एप्लीकेशंस में कंसिस्टेंसी दिखे, ठीक है। अब अगर उसी लेबल्स की बात करें तो बेसिकली लेबलिंग करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। यूज स्टैंडर्ड बटन लेबल्स व्हेन अवेलेबल, प्रोवाइड मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन परफॉर्म, यूज सिंगल वर्ड लेबल्स व्हेन एवर पॉसिबल, यूज 2-3 वर्ड्स फॉर क्लैरिटी इफ नेसेसरी। कहने का मतलब यह है कि जब लेबलिंग करें आप तो लेबलिंग इस तरह से करें कि उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रह सके। जैसे अगर आप लेबलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक वर्ड से अगर आपका काम चल जाए, अगर एक वर्ड से काम नहीं चल रहा है तो 2 या 3 से ज्यादा वर्ड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेबलिंग का मतलब ही होता है कि कम से कम शब्दों में यूजर को हम ज्यादा से ज्यादा समझा सके, ठीक है। यूज मिक्स्ड केस लेटर विद फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सिग्निफिकेंट लेबल वर्ड कैपिटलाइज। आपने देखा होगा जितनी भी लेबलिंग होती है, लेबलिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है कैपिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी जो कैरेक्टर हैं स्मॉल हैं, कैपिटल हैं, वो मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा कैपिटल होता है। डिस्प्ले लेबल्स की बात करें तो जो लेबल्स हम यूज करते हैं जो उसका शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले लेबल्स में इन द रेगुलर सिस्टम फॉन्ट इन द सेम साइज फॉन्ट मींस अगर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो जो हम लेबल्स यूज कर रहे हैं वो लेबल्स बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में होने चाहिए और सेम साइज के होने चाहिए। मींस हमारे एप्लीकेशंस पे जितने भी लेबल यूज होंगे उस लेबलिंग का जो फॉन्ट होगा, उस लेबलिंग का जो साइज होगा, ठीक है, उस लेबलिंग का जो फॉर्मेट होगा, मींस कैरिंग मतलब कि ये कि लेबल पे हो सकता है कि हम टेक्स्ट यूज करें, लेबल पे हो सकता है कि हम कोई ग्राफिक यूज करें, ठीक है। तो जैसे आप कोई फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, तो फाइल के उस विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए मैक्सिमाइज क्लोज एंड मिनिमाइज का 3 बटन बना होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे मैक्सिमाइज नहीं लिखा होता है, मिनिमाइज नहीं लिखा होता है, क्लोज नहीं लिखा होता है। वहां पे एक ग्राफिकल फील लिया जाता है कि उस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल मिनिमाइज हो जाएगी, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो वो एक लेबलिंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो हम लेबलिंग कर रहे हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे एप्लीकेशन में लेबलिंग के रिगार्डिंग एक तरह से कंसिस्टेंसी दिखे। सो डू नॉट नंबर लेबल्स। आपने देखा होगा कि जितनी भी लेबलिंग होती है लेबलिंग पे कहीं भी नंबरिंग नहीं दिखती है, वहां सिर्फ कैरेक्टर के फॉर्म में अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के फॉर्म में लेबलिंग होती है या फिर ग्राफिकल फॉर्म में लेबलिंग होती है, लेकिन कहीं भी नंबर हम यूज नहीं करते हैं लेबलिंग के लिए। सेंटर द लेबल विद इन द बटन बॉर्डर। जब भी आप बटन्स की लेबलिंग करें तो जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं लेबलिंग के लिए बिल्कुल सेंटर अलाइंड होने चाहिए। प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन लेबलिंग ऑन ऑल स्क्रीन्स। साइज की बात करें प्रोवाइड एज लार्ज अ बटन एज फिजिबल, मेंटेन कंसिस्टेंट बटन हाइट एंड विड्थ, एक्सेप्शन बटन्स कंटेन Excessively long label may be wider. ये exception के केस में, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी स्क्रीन पे हर जगह जो बटन की हाइट और विड्थ है वो बिल्कुल सेम रहे। नंबर्स की अगर बात करें कि कितने ज्यादा बटन हम अपने विंडो पे या अपने इंटरफेस पे यूज कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग करें रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ बटन ऑन अ विंडो टू 6 और फ्यूअर। मतलब जो बटन हम अपने एक सिंगल विंडो पे यूज करें वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 या 6 से कम ही यूज करें।
लोकेशन एंड लेआउट, अगर लोकेशन और लेआउट की बात करें कि जो बटन हम यूज कर रहे हैं उन बटन को स्क्रीन पे किस जगह रखें और उसका लेआउट क्या होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कर रहा है मेंटेन कंसिस्टेंसी इन बटन लोकेशन बिटवीन विंडोज। अगर आपके एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट विंडोज यूज हो रहे हैं तो हर विंडोज में जो बटन आप यूज करेंगे बटन बिल्कुल सेम लोकेशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले विंडो में आपने बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यूज कर लिया, अगले विंडो में टॉप राइट कॉर्नर में यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप जितनी भी विंडोज जितनी भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे हर एप्लीकेशन में क्लोज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का जो बटन होता है, ये तीन बटन का जो कॉम्बाइंड फॉर्म होता है वो हमेशा स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में ही रखा होता है। ऐसा नहीं कोई और एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा तो टॉप राइट कॉर्नर में ही मिलेगा। ठीक है, वही कह रहा है मेंटेन कंसिस्टेंसी बटन लोकेशन बिटवीन विंडोज, नेवर सिंपली फिट बटन्स इन अवेलेबल स्पेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जहां स्पेस दिखा वहीं पे बटन को आपने प्रेस कर दिया। बटन्स की रिगार्डिंग अगर बात करें लोकेशन एंड लेआउट जो अभी हमने बात किया, ठीक है, लोकेशन एंड लेआउट, तो उसी लोकेशन एंड लेआउट की रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। बटन्स एग्जिस्टिंग अ डायलॉग एंड यूजुअली क्लोजिंग द विंडो शुड बी पोजिशनड हॉरिजेंटली एंड सेंटर्ड अक्रॉस द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। जैसे कि आप यहाँ एक फिगर देख रहे होंगे, मैं मार्कर ले लेता हूँ, आप यहाँ फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में देखिए यहाँ पे विंडो के बिल्कुल बॉटम सेंटर पोजिशन में कुछ बटन्स लिए गए हैं, ओके बटन एंड कैंसिल बटन। ये बेसिकली जो बटन है कह रहा है बटन्स एग्जिस्टिंग अ डायलॉग एंड यूजुअली क्लोजिंग द विंडो शुड बी पोजिशनड हॉरिजेंटली एंड सेंटर्ड अक्रॉस द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। मीन्स ऐसे बटन जो सिर्फ डायलॉग को होल्ड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग अ डायलॉग, ऐसे बटन, बटन्स एग्जिस्टिंग अ डायलॉग, ऐसे बटन जो सिर्फ डायलॉग को होल्ड कर रहे हैं उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो हमारे विंडो के बॉटम सेंटर पोजीशन पे होने चाहिए। जैसे कि ओके बटन एंड कैंसिल बटन, यहाँ देखिए एक सिंगल डायलॉग है ओके का और यहाँ पे एक सिंगल डायलॉग है कैंसिल का। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बटन जो डायलॉग्स को होल्ड कर रहे हैं उन बटन्स को हम अपने स्क्रीन के बॉटम के सेंटर पोजीशन पे उसको प्लेस करेंगे, उसकी लोकेशन जो होगी बॉटम स्क्रीन का जो बॉटम सेक्शन होगा और सेंटर्ड सेक्शन होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे कुछ अलग तरह के बटन्स की बात करें, जैसे कि फॉर अ बटन इनवोक्स अ डायलॉग, यहाँ पे क्या है ओके और कैंसिल पे क्लिक करेंगे कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन कुछ बटन्स ऐसे भी होते हैं इसमें हम क्लिक करते हैं कुछ एडिशनल विंडोज ओपन हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है फॉर अ बटन इनवोक्स अ डायलॉग और एक्सपेंड्स द डायलॉग, मींस ऐसे बटन जिस पे क्लिक करने से कोई अदर विंडो ओपन हो जाए या कोई सर्टेन डायलॉग इनवोक हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग हम ऐसे बटन्स को अपनी स्क्रीन के लेफ्ट अपनी स्क्रीन के राइट साइड में रखेंगे, अपनी स्क्रीन के राइट अपनी जो हमारी विंडो होगी उस विंडो के राइट साइड के सेंटर्ड पोजीशन में रखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर बटन, नेटवर्क बटन, ऐड प्रिंटर बटन। जैसे आप ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, मींस एक नया डायलॉग ओपन हो गया, अब उस डायलॉग पे आपको सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे बटन जिसपे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने से कुछ नया डायलॉग ओपन हो, तो ऐसे बटन को हम अपने स्क्रीन के राइट साइड के सेंटर पोजिशन पे रखते हैं। देखिए पोजिशन इट सेंटर्ड एंड एलाइड Right vertically along the right side of the window. Why do not provide alignment with other screen controls? Maintain alignment and spacing only within the buttons themselves. ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी स्पेस में आपने क्या बोलते बटन्स को प्लेस कर दिया। Position the buttons within window before locate the other windows control. तो ये basically buttons के location और उसके layout के regarding इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कह रहा है इफ अ बटन हैज अ कंटिजेंट रिलेशनशिप टू अदर कंट्रोल पोजिशन इट एडजेसेंट टू द रिलेटेड कंट्रोल। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देखें ग्रोसरी से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, उन सभी आइटम्स को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि
ऐसे ऐसे जो भी डेटा है जो बिल्कुल एक डोमेन से बिलोंग करते हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी आप बटन बनाएं वो बिल्कुल एक सेम क्लस्टर में रहने चाहिए. बटन्स फाउंड वन और मोर देन वन विंडो शुड बी कंसिस्टेंटली पोजिशन. मतलब अगर आपने सबमिट का बटन यूज किया है अपने अपने एप्लीकेशन में, तो हर विंडो पे सबमिट बटन की लोकेशन एज इट इज एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए. ठीक है. अब अगर बटन की बात करें इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बटन को कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो यहाँ देखिए कह रहा है मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्शन ऑन द लेफ्ट और टॉप कीप रिलेटेड बटन grouped together. Exception: buttons consisting exclusively long labels may be wider. Windows recommends an affirmative action, the left or above, the default first, OK and cancel next to each other, help last. कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बटन है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए. जैसे अगर हम ओके बटन यूज कर रहे हैं और कैंसिल बटन यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले हम कैंसिल को रखेंगे फिर बाद में ओके को रखेंगे. पहले कैंसिल बटन आएगा उसके बाद ओके बटन आएगा. मीन्स इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बटन्स. कैसे बटन्स को ऑर्गेनाइज करेंगे? हेल्प के रिगार्डिंग अगर मैंने कोई बटन यूज किया हुआ तो हेल्प का बटन बिल्कुल लास्ट में आएगा. ठीक है. नॉर्मली जो मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्शंस हैं उन मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्शंस के रिगार्डिंग जो भी बटन हम यूज करेंगे वो स्क्रीन के लेफ्ट और टॉप पोर्शन में होंगे. ठीक है. जैसे देखिए नॉर्मली जो भी जो बेसिक टूल्स होते हैं हमारे, जैसे इस वर्ड फाइल में अगर आप देखिए जो सेव वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये सेव वाला ऑप्शन भी बिल्कुल हमारे स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पोजीशन में आ रहा है. ठीक है. ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ रहे हैं. तो कहने का मतलब जो मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्शन है उस एक्शन से रिलेटेड बटन्स को हमें स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखना है. कीप रिलेटेड बटन्स ग्रुप टुगेदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड बटन उनको एक साथ रखना है. जैसे कि मैक्सिमाइज, क्लोज, मिनिमाइज, ये जो सर्टेन एक्शन के रिगार्डिंग बटन्स हैं, इन बटन को हम कंबाइन करके एक साथ रखते हैं. ठीक है. क्योंकि हमें किसी फाइल को क्लोज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, तो ये जो तीन एक्शन हैं ये किसी एक सेम डोमेन से बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो वही कहने का मतलब बेसिकली है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस के रिगार्डिंग हम बटन्स यूज कर रहे हैं उन बटन्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ बताया हुआ है. कमांड बटन की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो बटन्स हम यूज करते हैं, बटन हो सकता है कि हमारा एग्जिस्टिंग डायलॉग के थ्रू, मतलब उसमें एक सिंगल डायलॉग दिया हो या ओके या कैंसिल. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वो बटन किसी डायलॉग को इनवोक करे. यहाँ पे देखिए ओके और कैंसिल में क्या है, एक सिंगल डायलॉग है, आइदर इज ओके और इट्स कैंसिल. लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगर में, अगर कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे तो कुछ अनदर डायलॉग ओपन होगा. ठीक है. तो वही यहाँ कहना चाह रहा है कमांड बटन के लिए रिगार्डिंग कि इंटेंट इंडिकेटर्स मीन्स हम अपने बटन्स पे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स यूज करें जिससे हमें ये पता चले कि बेसिकली उस बटन से किस टाइप का एक्शन परफॉर्म होगा और उस एक्शन के रिगार्डिंग जो डायलॉग्स ओपन होंगे वो डायलॉग्स कैसे होंगे. जैसे कि अगर अप्लाई वाले ऑप्शन को देखें, इस अप्लाई वाले बटन को अगर देखें, दिस वन, इसके लिए कह रहा है टू इंटेंट इंडिकेटर इज नेसेसरी व्हेन अ बटन causes an action to be immediately performed. यहाँ पे देखिए सिर्फ हमने लेबल यूज किया है, इस लेबल के साथ कोई भी एडिशनल इंडिकेशन हमने नहीं यूज किए हैं. इट मीन्स सिंपली अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इमीडिएट कोई एक्शन परफॉर्म होगा. वहीं अगर इस वाले बटन की बात करें तो बटन के ओपन जो हमने ओपन लेबलिंग कर रखी है उस लेबलिंग के जस्ट बगल में देखिए थ्री डॉट्स यूज किए हैं. ठीक है. इन थ्री डॉट्स का मतलब यह है When a button leads to a cascading dialogs, ठीक है, जैसे इनको क्लिक करेंगे एक cascading dialogs ओपन होगा. मेनू के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है. When button leads to a menu, include a triangle pointing in the direction
द मेनू विल अपियर आफ्टर द लेबल्स. ऑप्शंस के रिगार्डिंग है, लेकिन दो बार एरो बना हुआ है, ठीक है. डबल एरो व्हेन अ बटन लीड्स टू एंड एक्सपेंडिंग डायलॉग इंक्लूडिंग अ डबल एरो. तो कहने का मतलब यहाँ क्लियर की रिगार्डिंग देखिए, बैक स्पेस का सिंबल बना हुआ है. कहने का मतलब यह है कि बटन्स पे लेवलिंग के साथ ही साथ हम कुछ एडिशनल सिंबल्स यूज करें, जिसके थ्रू कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स यूज करें, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि बेसिकली इस बटन पे क्लिक करने से किस टाइप का डायलॉग हमारा ओपन होगा, या किस तरह के डायलॉग हमारे ओपन होंगे. ठीक है, ये तो हो गया हमारा कमांड इंडिकेटर्स. नेक्स्ट है हमारा कमांड बटन्स में एक्सपेंशन एंड डिफॉल्ट्स. एक्सपेंशन एंड डिफॉल्ट्स में मींस बटन्स में कुछ सेम टाइप के बटन्स ऐसे होंगे जो हर विंडो हर एप्लीकेशन में आप बिल्कुल एक जैसे देखेंगे. जैसे क्लोज बटन पर जैसे ही हम अपना कर्सर रखते हैं वो रेड कलर का हो जाता है. इट मींस वो रेड कलर ये डिनोट करता है कि हाँ, इसको क्लिक करने से फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी. तो वही कहने का मतलब है कि जो बटन्स पे हम कमांड डिफाइन करते हैं, जो बटन्स हम यूज करते हैं, उन बटन्स के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंशंस और कुछ डिफॉल्ट एक्शंस होते हैं. जैसे कि ग्रे बटन आफ्टर एक्सपेंशन और व्हेन नॉट एप्लीकेबल. व्हेन अ विंडो इज फर्स्ट डिस्प्लेड प्रोवाइड अ डिफॉल्ट एक्शन इफ प्रैक्टिकल. A default should be the most likely action, a confirmation and application of the activity being performed. A positive action such as okay, it is a destructive action to perform such as deletion. The default should be cancel. Indicate the default action by displaying the button with a bold or double border. कहने का मतलब ये है कुछ सर्टेन एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हमें एज बाय डिफॉल्ट रखना होता है, और उस बाय डिफॉल्ट एक्शन के रिगार्डिंग हम जो बटन यूज करते हैं उन बटन्स के लिए हम ये सारे फीचर्स जो है यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा कमांड बटन के लिए कीबोर्ड इक्विवेलेंट एक्सेलरेटर्स. कीबोर्ड इक्विवेलेंट एक्सेलरेटर्स में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि असाइन अ कीबोर्ड इक्विवेलेंट mnemonic to each button to facilitate keyboard selection. For example, आपके keyboard में देखिए बिल्कुल keyboard के बिल्कुल bottom left portion में एक window का button होता है जिसपे window का symbol बना होता है, ठीक है. और वैसा ही window का symbol आपके computer के screen के bottom section के left corner में रहता है. कहने का मतलब है assign a keyboard equivalent mnemonic to each button to facilitate keyboard selection. Means जैसे हम keyboard के button पर select click करते हैं window वाले button पे, हमारे screen का जो window वाला icon बनता है वहाँ से एक set of commands जो हैं मतलब set of buttons जो हैं वो open हो जाते हैं. तो एक menu open हो जाता है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि हमें buttons को इस तरह से use करना है कि button की जो mnemonics हैं वो keyboard से interrelate हो जाए, ठीक है. The mnemonic should be the first character of the buttons label. जो हम mnemonic के लिए जो labeling कर रहे हैं buttons की, उस labeling का जो first character होगा वो हमारी mnemonic से match होना चाहिए. Keyboard जैसे keyboard में जैसे suppose करिए delete के regarding हमने button use किया हुआ है, ठीक है. तो delete में जो capital D होता है, ठीक है. Delete में जो keyboard में delete के लिए जो labeling हो जाती है capital D E L E T E. उसी तरह अगर हम अपने इंटरफेस पे कोई बटन यूज करते हैं डिलीट के लिए, तो उस पे जो लेवलिंग करेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कैपिटल में होना चाहिए. डिजाइन द मेमोनिक कैरेक्टर बाय अंडरलाइन मेंटेन द सेम मेमोनिक ऑन ऑल आइडेंटिकल बटन्स ऑन अदर स्क्रीन्स. सिमिलर टाइप्स के बटन्स के लिए सेम मेमोनिक यूज होगा, चाहे आप किसी भी स्क्रीन पे बटन्स को यूज करें. कीबोर्ड एक्सेलरेटर असाइन अ कीबोर्ड एक्सेलरेटर टू ईच बटन टू फैसिलिटेट कीबोर्ड सिलेक्शन. सेम चीज कि हमें अपने इंटरफेस पे यूज करने जो यूज हो रहे हैं बटन है, उन बटन्स को इस तरह से लेबल करना है कि हम बेसिकली
इजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बटन कीबोर्ड के किस बटन से इंटररिलेटेड है. ठीक, असाइन अ कीबोर्ड एक्सेलेरेटर टू ईच बटन टू फैसिलिटेट कीबोर्ड सिलेक्शन. तो उसके लिए जैसे सपोज करिए हम अगर अपने अपने बटन्स को जो सॉरी जो अपने स्क्रीन अपने इंटरफेस पे जो बटन्स यूज कर रहे हैं उन बटन्स को अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल करना चाहूँ, जैसे नॉर्मली हम टैब बटन यूज करते हैं, तो टैब बटन को यूज करते हुए अगर हमारे स्क्रीन पे 10 बटन्स यूज हो रहे हैं तो हम इस 10 बटन टैब बटन अपने कीबोर्ड के टैब की को यूज करके उन डिफरेंट बटन्स को क्या करते हैं यूज कर सकते हैं. तो टैब पे जो ऑप्शन होता है जो तीर एरो बना होता है, देखिए एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन का होता है, एक एरो बैकवर्ड डायरेक्शन का होता है. इट मींस आप शिफ्ट टैब करेंगे तो आप प्रीवियस बटन्स पे मूव कर सकते हैं और शिफ्ट आप टैब करेंगे तो नेक्स्ट बटन पे मूव कर सकते हैं. तो कहने का मतलब है असाइन अ कीबोर्ड एक्सेलेरेटर टू ईच बटन. जो भी बटन हम यूज कर रहे हैं उस हर बटन को हम इस तरह से डिजाइन करें कि उस बटन को हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कर सके, टू फैसिलिटेट कीबोर्ड सिलेक्शन. यानी उन बटन्स को अगर हमें यूज करना है तो विदाउट यूजिंग माउस हम कीबोर्ड के थ्रू उन बटन्स को एक्सेस कर सके, यूज कर सके, हम नेक्स्ट बटन पे स्विच कर सके. इन शॉर्ट ऐसे समझिए कि हम उन सारे बटन्स को, उन सेट ऑफ बटन्स को अपने कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल करें, हम कंट्रोल कर सकें. हमें इस तरह के फीचर्स अपने बटन्स में रखने हैं. कमांड बटन्स, स्क्रोलिंग एंड बटन एक्टिवेशन. बेसिकली इसमें कह रहा है यूज बटन टू मूव बिटवीन मल्टीपल पेजेस फ्रॉम नॉट स्क्रोल बार्स, लेवल बटन, नेक्स्ट एंड प्रीवियस. हाईलाइट द बटन इन सम विजुअली डिस्टिंक्टिव मैनर व्हेन द पॉइंट इज रेस्टिंग ऑन इट एंड द बटन इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. बेसिकली स्क्रोलिंग एंड बटन एक्टिवेशन का मतलब ये है कि हमें हम जो भी बटन यूज कर रहे हैं अपने इंटरफेस में, ठीक है, उसमें हो सकता हो कि कई सारे पेज हों, ठीक है, और इसीलिए हमें उन डिफरेंट पेजेस पे मूव करने के लिए भी हमें कई तरह के बटन यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, ठीक है. तो हमें उस बटन पे प्रॉपर लेबलिंग करनी होती ताकि हम उस बटन को देख के आइडेंटिफाई कर सके, हाँ इस पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हम प्रीवियस पेज पे मूव कर जाएंगे. तो ये बेसिकली बटन्स में कुछ ऐसे बटन्स हमें यूज करने होते हैं जो बेसिकली स्क्रोलिंग और बटन के एक्टिवेशन के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली स्क्रीन कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग था. और उस स्क्रीन कंट्रोलिंग में जो डिफरेंट हम एलिमेंट्स यूज करते हैं स्क्रीन कंट्रोलिंग में, उसमें हमने आज सिर्फ बटन्स के बारे में पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.